ख्वाब ख्यालों में सोचा नहीं था तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी सो हे व्हाट इज अप गाइस, दिस वाज सेड इट लकी चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस स्कूल में लेके आ चुके हैं एक नए और ट्यूटोरियल के साथ वापस। तो गाइस आज हम सीखने वाले कुछ इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो गाइस सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अलर्ट मशीन ऐप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर सिंपल से डाउनलोड कर लेना। और इस टेक्स्ट एनिमेशन का प्रीसेट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अगर पासवर्ड तो कुछ मैं रखूंगा नहीं, बट आपको अगर डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप मेरा हाउ टू डाउनलोड वाला वीडियो देख सकते हो, मैं ऊपर उसका लिंक भी दे दूंगा। तो गाइस काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं कि भाई डाउनलोड कैसे करें। तो गाइस सिंपल सा प्रोसेस है, आप सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर आप कर लोगे तो फिर से हर बार आप मेरे ट्यूटोरियल को देखने के बाद सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अपने अलर्ट मशीन ऐप में। तो सिंपल से अपना अलर्ट मशीन ऐप में आने के बाद सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एंड देन आपको जो रेशियो लेना है वो ले सकते हो। सिंपल से मैं 16:9 का रेशियो ले लेता हूँ, और रेजोल्यूशन 720p और फ्रेम रेट 30 fps और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और इतना होने के बाद कुछ ऐसा इंटरव्यूज आ जाएगा, तो यहाँ से आपको सिंपल से लिरिक लिख लेना है, और सॉन्ग वगैरह आपको जहाँ से भी लेना है वो ले सकते हो। मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहता, बस मेरा काम है आपको टेक्स्ट एनिमेशन सिखाना। तो सिंपल से हम चलते हैं टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से मैं सिंपल से लिख लेता हूँ लकी। तो इतना लिखने के बाद आपको फॉन्ट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे इस फ़ोन में नहीं है, तो मैं किसी और के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ लैग वगैरह का इशू है, तो मैं किसी और के फ़ोन में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कुछ और ही फॉन्ट यूज़ करूँगा। आपको जो मैंने मेन वीडियोज़ में जो फॉन्ट यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फॉन्ट मैंने अपने स्टेटस में यूज़ किया है वो फॉन्ट आपको मिल जाएगा। बाकी ये मैं बस आपको टेक्स्ट एनिमेशन दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत जैसा मत आप सोचना कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई टेक्स्ट एनिमेशन कुछ और दिखा रहा था और ये कुछ और दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सिंपल से मैं यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। तो गाइस इतना होने के बाद नीचे वाली लेयर पर आके यहाँ से टेक्स्ट पर जाके यहाँ से एडिट्स लिख लेता हूँ। तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि बंदे लाइक नहीं करते यार, क्या ही कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार दे दो अपने भाई को भी, बस इतने बोलना चाहूँगा। और तो बस इतना होने के बाद सिंपल से यहाँ मैं इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इस तरह से, और इसका कलर हम चेंज करके यहाँ से वाइट कलर रख लेंगे, तो कुछ इस तरह से लगेगा। तो बस इसे लेके यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ रख लेंगे, और इस लिरिक को हम इस तरह से ऊपर रख लेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो बस कुछ इस तरह से। तो बस मैं सिंपल से आपको बताने के लिए ये एनिमेशन दिखा रहा हूँ, बाकी फॉन्ट तो मैं आपको दे ही दूँगा जो भी मैंने यूज़ किया है वो, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम जैसा कुछ सोचना मत कि भाई ये क्या कर रहे हैं, भाई क्या ही बक कहती कर रहा है। तो बस इतना होने के बाद सिंपल से मैं इसे इस तरह से कर लेता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कुछ बड़ा ही हो गया है। तो इस ना होने के बाद इस तरह से रख लेता हूँ, और सिंपल से हम अब एनिमेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लकी वाले इफेक्ट पे जाते हैं, और लकी वाले लिरिक पे जाते हैं, और इफेक्ट में जाते हैं, और एड इफेक्ट में जाते हैं, और बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर मारना तो वैस सब कुछ साथ में ही बोल देता हूँ मैं। तो सिंपल से हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट लेना है, तो ये मैंने ले दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट को 0 पर रहने देना, फिर एंड को भी 120 रहने देना। अगर आपने मेरे आगे वाले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और अगर आपने एडिट किया होगा तो उसी में से सारे इफेक्ट कॉपी पेस्ट करके आप ये वाला ट्यूटोरियल भी और ये वाला भी टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने आगे इफेक्ट यूज़ किए हैं वही इफेक्ट इसमें भी यूज़ करने वाला हूँ। बट अब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई एनिमेशन तो सिखाओ, कॉपी पेस्ट तो हम भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ फिर से पूरा। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला वही इफेक्ट है, बस मैं आपको फिर से एक बार रीड करा देता हूँ। तो इसको कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ कंपोनेंट को
लेटर प्रेस देना, फिर इसे कॉम्पोनेंट पे सिलेक्ट कर देना, फिर ऑफसेट को भी कुछ नहीं छेड़ना, फिर एंगल को भी नहीं छेड़ना, फिर सीधा स्केल पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक प्लस करना है और थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे प्लस करना है, थोड़ा सा आगे जाके इधर एक प्लस करना है और इधर एक प्लस करना है एंड देन इधर एक प्लस करना है एंड इधर, तो पूरे 5 हो गए टैप। और यहाँ एंड पे थोड़े से कर लेना है इस तरह से। तो इतना होने के बाद सबसे पहले वाले टैप पे आना है और इसे -1 पे कर लेना है इस तरह से। तो कैसे हो चुका है सिंपल से, अब पहले वाले टैप पे जाना है और +18 पे जाना, 18 कर लेना है इसे। तो सही से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना कुछ स्टेप मिस हो जाएंगे तो आप खुद बोलोगे भाई ये क्या हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा ही होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इतना होने के बाद सिंपल से फिर यहाँ से -0.12 पे कर लेना है, फिर से एक तीसरे वाले टैप पे जाना है, मतलब फोर्थ वाले टैप पे जाना है और इसे भी +10 पे कर लेना है इस तरह से। फिर आगे वाले टैप पे जाना है और यहाँ से माइनस में बस +2 पे कर लेना है एंड इस पे आना है और इसे 0 पे कर देना है और इसे भी 0 पे रहना है। फिर एंड पे आना है और यहाँ से पूरा -99 पे कर लेना है, 98 पे 99 पे कर लेते हो जा भाई। तो इतना होने के बाद सिंपल से कुछ इस तरह से हमारा लिरिक आएगा, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा पूरा जेली टाइप का। तो इतना होने के बाद सिंपल से आपको इसे फिर आगे कुछ नहीं छेड़ना है, बस आगे तो सब कुछ सेम ही रहने देना है, जो ये नीचे है स्केल के बाद के इफेक्ट, इन सबको किसी को भी छेड़ना नहीं है, बस सब कुछ सही है। तो इतना होने के बाद, और ये कौवे पता नहीं क्यों आ जाते हैं, जब मैं ट्यूटोरियल बनाने के लिए छत पे आता हूँ तो ये कौवे भी आ जाते हैं। यार अगर आपको भी ट्यूटोरियल देखना है तो कहीं से मोबाइल लाओ और लकी एडिट्स और एडिटर लकी सर्च करो और सब्सक्राइब कर देना। तो बस मैं पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ। तो सिंपल से हम ये एड इफेक्ट में जाना है और ये लोगो शेडो वाला इफेक्ट ले लेना है। तो वैसे इसे लेने के बाद सबसे पहले आपको इसे फर्स्ट साइज को 64 तक कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर एंगल को 45 पे ही रहने देते हैं, फिर कलर को ब्लैक ही रहने देते हैं, वैसे वही अच्छा लगेगा। तो इतना होने के बाद सिंपल से अल्फ़ा पे आना है और अल्फ़ा को 31 पे कर लेते हैं इस तरह से, 30 या 31, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, तो पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो कुछ इतना सही लगेगा, नहीं इतना ज़्यादा हो जाए, ठीक है इतना रखने देते हैं 31.7। इतना होने पर सॉलिड इट को 100 पे, और इन सबको भी कुछ नहीं छेड़ना, सब कुछ सिंपल ही है। तो इतना होने बाद इसे डन कर लेना है और यहाँ से आपको जाना है और यहाँ से एक स्मूथ वेल वाला इफेक्ट ले लेना है। तो गाइस इसमें तो शायद से नहीं है, तो हम सर्च कर लेते हैं। तो गाइस ये अगर आप सर्च करोगे तो आपके मोबाइल का डाटा ऑन रहना चाहिए, वरना ये नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। तो इतना होने के बाद फिर स्मूथ वेल वाले इफेक्ट पर टैप करना है और यहाँ से रिड्यूस को 6 पे रखना है और डिफ्यूज को 145 तक रख लेते हैं बस। और इसे स्पेक्युलर एंगल को हमें सबसे पहले आ जाना है और यहाँ पे प्लस कर देना है और इसे पूरा 4 पे कर लेते हैं, भाई साहब ये क्या ही हो रहा है। तो 5 पे कर लेते हैं और एंड पे जाके इसे पूरा फुल 300 के, हाँ 300 के ऊपर तक ले चल रहे। तो वैसे कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ से इन दोनों को भी वाइट पे रहने देना, इसको डिफ्यूज इंसेंटिट को 50 पे रहने देना, इसको 1 पे, इसको 00 पे, और इन सबको किसी को मतलब छेड़ना नहीं है, बस इतना ही रहने देना। तो वैसे हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो वैसे इतना होने के बाद सिंपल से हमें पहले वाले लिरिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और नीचे 3 डॉट पे टैप करना है और कॉपी ऑल इफेक्ट करके इस सेकंड वाले लिरिक पे आ जाना है और यहाँ से टैप करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो बस कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन आएगा। तो बस कितना ओपी लग रहा है। तो बस इसे इतना होने के बाद आपको तो पता ही है, अगर आपको आगे तक लिरिक ले जाना है तो यहाँ इन दोनों लिरिक को टैप करना है, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से कॉपी 2 लेयर कर लेना है और एंड देन यहाँ से पेस्ट कर देना है इस तरह से।
तो इतना होने के बाद अगर आपको छोटा करना है तो इस तरह से इस पर टैप करके यहाँ से स्पीड पर जाके इसे छोटा कर लेते हैं। इसी तरह से लंबा छोटा करके आप अपना जितना भी सॉन्ग का लिरिक है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो गाइस यही हो गया। तो गाइस अब सिंपल से चलते हैं हम नोट वीडियो ऐप में। तो गाइस हम आ चुके हैं नोट वीडियो ऐप में। तो गाइस इतना होने के बाद सबसे पहले आपको नेव पे टैप करना है और यहाँ से हमने जो भी अभी एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को ले लेना है। तो मैं यहाँ से टैप करता हूँ प्लस के आइकन पर, फिर मीडिया में जाता हूँ, फिर वीडियो में जाता हूँ, एंड देन जो हमने अभी एडिट किया है वो रिसेंट में पहले पे ही होगा। तो गाइस मैं सिंपल से टैप करके ले लेता हूँ। तो गाइस रेंडर हो चुका है और इसे थोड़ा सा हम प्ले करके देख लेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा लिरिक आ जाएगा। तो सिंपल से हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन असिस्ट स्टोर पे जाना है और यहाँ से ग्लो वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस वाइट ही कलर रहने देना है। मैंने पता नहीं क्यों यहाँ से टैप कर दिया। तो इतना होने के बाद इसे 40 पे कर लेना है और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरह से, एंड देन इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो बस इतना होने के बाद सिंपल से आपको जो आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा कर लेना। मैं सिंपल से ज़्यादा समझाने नहीं बैठता हूँ, बाकी सबको पता ही होगा। फिर से अब एडजस्टेड टॉर पर जाना है और नेचर पर जाना है और रेन ड्रॉप वाले इफेक्ट को ले लेना है। तो वैसे आ चुका है। फिर इसको ब्लर को 0 पे कर लेना है एंड देन यहाँ से 3 लेयर को मतलब बीच वाले लेयर को ऑन कर लेना है। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपल से हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो गाइस इतना होने के बाद सिंपल से हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से प्ले करोगे तो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट, चाहिए था वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस ऐसे ही इन फ्यूचर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चले मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।